अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 की मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 5। गिव आर रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 5/9 अगर हमने दरमियान वाला डिजिट फाइंड करना होता है 3 से, जिस तरह 3 एंड 5 के बीच क्या आएगा, 4, ये तो हमें पता है। बट क्योंकि ये बटे की फॉर्म में है, या जिस तरह अगर इन दोनों का हमने दरमियान वाला डिजिट निकालना होता है तो 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 3 + 5 = 8/2, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, इस तरह मतलब 4 आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा। बट ये क्योंकि बटे की फॉर्म में है, इस तरह हम ये दो मुख्तलिफ 3/4, 5/9 इस तरह हैं, तो हम पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, फिर 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो भी इसका बिटवीन हमें फाइंड हो जाएगा। 3/4, 5/9, पहले इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम, एलसीएम इधर मैंने निकाला है, ये देखें, 2 to the 4 और 9 वैसे का वैसे रह गया, 2 × 1 = 2, 9 एज इट इज़। अब 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 3, 3 × 3 = 3, 2 × 4 = 3, 3 × 9, 4 × 9 = 36, 36 आ गया, 4×9 = 36, तो 36 आ गया इनका एलसीएम। अब जो एलसीएम होता है, इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करना होता है, मतलब ये देखें 36 है ना, 4×9 = 36। अब जो यहाँ पे आंसर आता है ना, उसको इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3×9 = 27। अब इस वाले डिनोमिनेटर को करते हैं डिवाइड, 9 × 4 = 36, इस 4 को, इस 5, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 4×5 = 20, 27 × 20, 47 आ गया, 47/36, डिवाइड हो रहा है 2, डिवाइड करना है क्योंकि बिटवीन निकालना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1/2, अगर नीचे मतलब 3 होता तो हम इसको उल्टा कर देते, उलट कर देते, क्योंकि ये इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1/2 आ गया इधर, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 47 × 1, 47, 36 × 2, 72, ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।